पालनपुर जिल्लामां अमीरगढ़मां रेलवे ओवरब्रिज माटे असंख्य रजूआतो बाद केन्द्र अने राज्य सरकारना सहियारा फंडथी ओवरब्रिज मंजूर थयो। अमीरगढ़मां ओवरब्रिज मंजूर करवामां आवता नगरवासीओनी समस्यानो अंत आवशे। बनासकांठाना छेवाड़ाना अने पछात वर्ग धरावता अमीरगढ़ तालुकामां अंदाजित 72 गामडाओनो समावेश थाय छे अने बधा कामो माटे तालुका मथक अमीरगढ़मां आववानी फरज पड़े छे। त्यारे हालमां रेलवे खाताना नवा बजेटमां दरेक फाटको हटावी तेनी जग्याए ओवरब्रिज के अंडरब्रिज बनावानी कामगीरी करवामां आवी रही छे। परंतु आ बजेटमां अमीरगढ़ गामनी अध वच्चेथी निकळती अमदावाद दिल्ली मुख्य लाइन पर ओवरब्रिज मंजूर न करता अंडरब्रिज मंजूर करवामां आवेल हतो, जेथी मोटा वाहनों ने मुश्किलियों पड़वानी दहशत सतावता अमीरगढ़ ग्राम पंचायत तरफथी केंद्र सरकार ने लिखित में अरजी करेल हती। आथी रेलवे सरकारना बजेटमां अमीरगढ़नो ओवरब्रिज न होवाथी तेओ 50% रकम राज्य सरकार अने 50% केन्द्र सरकार आपे तो ओवरब्रिज बनी शके एवुं जणावता अमीरगढ़ पंचायत तथा आगेवान सीआई मोड द्वारा राज्य सरकार ने लेखित तथा रूबरूमां पण अरजी करी अमीरगढ़नी भौगोलिक परिस्थिति जणावी ओवरब्रिजनो मांग करेल। आजे राज्य सरकार तरफथी ओवरब्रिजना अंदाजित रकम 55.48 करोड़ना 50% फाळवता हवे अमीरगढ़मां ओवरब्रिज बनशे अने अंडरब्रिजथी थती हालाकीओनो अंत आवशे। ते माटे अमीरगढ़वासीओ अने तालुकाना लोकोए केन्द्र तथा राज्य सरकारनो आभार मान्यो हतो। जो के अमीरगढ़ तालुका भाजप महामंत्री कैलासभाई दरजीए जणाव्युं हतुं के अमीरगढ़ तालुका प्रमुख प्रवीणभाई प्रजापति पर गुजरात सरकारनो पत्र आवेल छे, जे अमारी वर्षो जूनी मांगणी हती ए मांगणी संतोषवामां आवेल छे, सरकारी मंजूरी आपेल छे। आ ओवरब्रिज बनशे एटले अमीरगढ़ तेमज आजूबाजूना गाम लोकोने खूब ज फायदो थशे। आजे नायब मुख्यमंत्री श्री नितिनभाई पटेलनो अमारा प्रमुख श्री प्रवीणभाई पटेल प्रजापति उपर पत्र आवेल, जेमा अमीरगढ़ ओवरब्रिज रेलवे ओवरब्रिज एने मंजूरी आपेल छे। अने अमारी बहु लांबा समय थी मांगणी हती के आ ओवरब्रिज बने, जे काम डाभेला करमदी अंबाजी रोड छे अने फाटक नंबर 143 उपर आ ब्रिज बनवानो छे। आ ब्रिज बनवाथी बहारथी आवता लोकोने पण एनो लाभ मळशे, तेमज अमीरगढ़थी बहार जवुं होय ए लोकोने पण एनी लाभ मळशे। અને વારે ઘડીએ ફાટક બંધ રહેવાથી બહુ તકલીફોનો સામનો કરવો પડતો હતો, જેનું હવે નિરાકરણ ટૂંક સમયમાં આવી જશે। તેથી હું નીતિનભાઈ પટેલનો તેમજ ગુજરાત સરકારનો અમીરગઢવાસી તેમજ ભારતીય જનતા પાર્ટી મહામંત્રી તરીકે આભાર માનું છું। અમીરગઢ તાલુકા મથકે રેલવે ફાટક નંબર 143 ઉપર ઓવરબ્રિજ બનાવવા માટે છેલ્લા 5 વર્ષથી અમે લખાણ કરતા હતા અને એ માટે ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકાર બંનેનો આજે ખૂબ ખુશી થઈ છે, એ માટે કે જે અમની પોલિસી હતી કે જે બ્રિજ મંજૂર કરીએ એના 50% ખર્ચ ગુજરાત સરકારને ભરવા પડશે તો જ આગળ ઓવરબ્રિજ બનશે। અને આજે ખુશી એ માટે છે કે રાજ્ય સરકારે અમારી વિનંતીને માન્ય આપી અને 50% ખર્ચના ફાળવણી કરેલ છે અને રાજ્ય સરકારે કરેલ છે અને ભારત સરકાર આ માટે ઓવરબ્રિજ બનાવશે હવે ટૂંક સમયમાં। એના માટે જે મુદત છે એ પ્રમાણે તૈયાર થશે, જમીન સંપાદન થશે અને ઓવરબ્રિજ બનશે, લોકોને એક સારી સગવડ મળે એ માટે। જીડીસી ન્યૂઝ સાથે અશોક રણાવાસિયા અમીરગઢ।